जेडीयू ने बीजेपी और अन्य सभी दलों से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के खिलाफ उम्मीदवार न उतारने की अपील कर दी है। जदयू ने कहा है कि ये दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुलायम सिंह यादव इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। सपा के मुखिया और अपने समय के सबसे बड़े समाजवादी नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव कराना पड़ रहा है। उपचुनाव 5 दिसंबर को होगा। दरअसल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री किसानों और मजदूर वर्ग के बड़े नेता थे और उनके योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने स्वीकार किया है। हम भाजपा और बसपा सहित सभी दलों से मैनपुरी सीट से चुनाव न लड़ने और डिंपल यादव का समर्थन करने की अपील करते हैं। ये मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि जेडीयू ने डिंपल यादव को अपना समर्थन दिया है। जदयू की ओर से इस प्रकार की मांग को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जदयू की नजर लोकसभा चुनाव 2024 पर है। इसको लेकर जदयू समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समर्थन चाह रही है। पिछले दिनों नीतीश कुमार सैफई पहुंचकर नेताजी के निधन के बाद श्रद्धांजलि भी अर्पित करने पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।